Do you look pretty? Thank you. Where are you from? Manipur. Okay, thank you. Nice to meet you. देख रहे हो लौंडे को गोवा घूम रहा है और मजे ले रहा है पूरे. मॉर्निंग दोस्तों. तो अभी मैं सुबह उठ गया हूँ. वैसे गोवा में सुबह होती नहीं है लेकिन आज हमने सुबह कर दी. तो मैं एक्टिवा तो नहीं है, फसीनो लेके जा रहा हूँ एक जगह पे सनसेट देखने के लिए. अगर सनसेट दिखा तो ठीक है, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है तो मज़ा आएगा. चलो लेट्स गो. ये कच्चा रास्ते से जा रहा हूँ मैं शॉर्टकट लेके. मैं आया हूँ फसीनो से, लेकिन मैंने पैदल वाला रास्ता लगाया मैप पे और उससे जा रहा हूँ. देख रहे हो तो इस तरीके का शॉर्टकट मिला है. पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है ये रास्ता, पूरा जंगल वंगल सा होके, लेकिन अच्छा है. वैसे लंबा दिखा रहा था यार, 6.5 किलोमीटर. ये गोवा की एक छोटी सी लोकेलिटी है जिससे मैं पास हो रहा हूँ, मतलब प्योर वाला समझ लो अंजुना के पास है, क्योंकि मैंने मेन रोड लिया ही नहीं है, अंदर से गलियों में से आया हूँ. मतलब जंगल, छोटे छोटे झाड़ पेड़ इस तरीके से मिले थे. पता नहीं किधर किधर से लेके जा रहा है भाई ये रास्ता. मुझे टर्न पर टर्न लिए जा रहा हूँ उस टाइम से, एक भी टर्न नहीं रोका है, बस चले जा रहे तो चले जा रहे. ये इधर सही आ गया रास्ता, नहीं तो अभी अंदर का हाल बेहाल था. घर भी बड़े प्यारे प्यारे दिख रहे हैं इधर. पता नहीं कौन से जमाने का पेड़ है. ये क्या है, ब्रेकिंग बैड? ओहो, कैफे प्लस हॉस्टल. कौन सा हॉस्टल है ये? ऊपर डॉर्मेट्री अवेलेबल है क्या? डॉर्मेट्री हाँ, रूम मतलब बेड, सिंगल बेड. सो रहे हैं क्या सभी? अभी सभी सो रहे हैं. चलो बस इसे पूछना था. ये प्रॉपर लोकेशन कौन सा है? ये अंजुना है. अंजुना है ना. साइड में कैंपिंग वगैरह भी लगा के रखा, टेंट लगाया है साइड में. तो ये हॉस्टल अच्छा लगा मेरे को, इसका जो एम्बियंस है ना बहुत प्यारा है. वॉल में ब्रेकिंग बैड के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं. और ये वूफर हॉस्टल. देखो रास्ते में चलते चलते मोर दिखेगा इस. ये देखो दो मोर है इधर. ये अभी रोड पे थे, यहाँ पे बीच रोड पे ये लोग बेचारे थे, हम लोगों ने इन्हें भगा दिया. मैंने नहीं भगाया एक्चुअली, एक भाई ऑलरेडी आ रहे थे उधर से बाइक से. अब रोड पे रहेंगे तो जाएंगे नहीं ना ब्रो. साहिल बार एंड रेस्टोरेंट. सुबह यार अलग ही माहौल रहता है, लेकिन क्या करें उठ नहीं पाते हैं, वरना माहौल बहुत प्यारा रहता है. पूरी पब्लिक सो रही है, बस अपन ही जाग रहे हैं. गोवा सोता है सुबह, रात को जागता है. ये कोई वे टू साउथ कर लीज. हाय गाइस. ओहो नारियल के पेड़ और ये कच्चा रोड, व्हाट अ कॉम्बिनेशन. अलग ही पहुंच गया हूँ मैं. अंदर होते एक अंजुना क्लिप करके लोकेशन दिखा रहा था, तो मुझे लगा वहाँ से व्यू अच्छा आएगा ऊपर से, जैसे वाघा टोर से आता है. तो अंजुना क्लिप के लिए मैंने रास्ता पहले डाला मैप गूगल मैप पे, उससे बाइक वाले से. तो टाइम ले रहा था, अच्छा खासा टाइम ले रहा था, और 6.5 किलोमीटर ले रहा था. फिर मैंने क्या किया, मैंने डाला वॉक से 4.5 किलोमीटर. मैंने कहा क्यों नहीं वॉक करके, वॉक वाले रास्ते से जाएंगे. तो उससे आए तो भाई अंदर गलियों से घुसा के इधर उधर से लेके आया है रास्ता, लेकिन मज़ा आया. यहाँ करलीज है शायद. अरे यार क्लिफ का रास्ता इधर से दिखा रहा था, लेकिन यहाँ तो मैं शिवा वैली पहुँच गया. वहाँ पे गेट पे कोई बैठा हुआ नहीं था, तो मैं आ गया अंदर. यही क्लिफ है शायद, यहाँ पे पार्टी होती है शिवा वैली वाली, तो मैं इधर आ गया हूँ. यहाँ से व्यू आएगा एक नंबर. ये देखो सनराइज इधर से होता हुआ मस्त. ये उधर से मेरे लिए भागता हुआ आया है. ये देखो चर्च, चैपल, नॉट चर्च, चैपल. पता नहीं चर्च और चैपल में क्या डिफरेंस है, ये मेरे को नहीं पता, आप लोग बताओ. ये देखो यहाँ से क्या प्यारा व्यू आ रहा है एकदम.
ये है अंजुना क्लिफ और इसके बाजू में है अंजुना। तो इसका मतलब इस क्लिफ में पार्टीज होती हैं उसकी शिवा वैली की, क्योंकि शिवा वैली जस्ट बाजू में ही है और करलीज भी उधर है इसके बाजू में, करलीज, समझ रहे हो। मज़ा आ रहा है लेकिन अभी चलते नीचे वहाँ। अभी जो आपने ऊपर से व्यू देखा वो नीचे जाके देखते हैं, वहाँ पे दो तीन भाई लोग हैं और नीचे चलते हैं, रास्ता है नीचे जाने के लिए। बस अभी मैं नीचे पहुँचा हूँ। यहाँ पे पूरा गीला है, जो भी पत्थर है जितना एरिया सूखा है ना, ये एक्चुअल में गीला है। मुझे लगता है सुबह सुबह इसका पूरा पानी गया है। देखो तुमको आइडिया लग जाएगा, देखो थोड़ा थोड़ा पानी है ही, और ये जो पत्थर है इसमें भी पानी है। तो यहाँ तक पानी था मे बी मॉर्निंग में, हो सकता है या नाइट में, क्योंकि हाई टाइट रहता है ना इसके लिए। तो जो दिख रहा है ना सामने वो वाला, वो शिवा वैली है। ये है पूरा समंदर, आगे अंजुना बीच, वहाँ जो दिख रहा है आपको पब्लिक है थोड़ी। सुबह का मौसम, देख रहे हो लौंडे को गोवा घूम रहा है और मजे ले रहा है। पीछे अंजुना है और इधर से अगर आप चढ़ के आओगे, थोड़े पत्थर हैं, उसके बाद आप इस साइड आओगे ना तो सामने क्लिफ पर पड़ेगा ऊपर, और ये इस तरीके का व्यू आएगा। तो इधर कोई नहीं रहता है, मोस्टली कम लोग आते हैं, तो ये अच्छी जगह है, यहाँ से बैठ के आप आराम से चिल कर सकते हो यहाँ। और एक्चुअली में अगर शेक वगैरह में चिल करना है तो ये शेक है एक। तो अभी पास में बाजू में चलते, पहले मैं नीचे उतरता हूँ। ये रास्ता है जिधर से जाना है, सबसे लास्ट में हैप्पी आर्ट्स और इधर शिवा वैली है। यहाँ पूरी रात लोगों ने पार्टी की होगी, इसलिए सब वो जो रिक्लाइनर लगे हुए हैं सब उस पर लेटे हुए हैं। पूरी रात पार्टी चलती है शिवा वैली में, बहुत फेमस है ये शिवा वैली, आगे करलीज है। तो ये रात शिवा वैली फेमस है। अभी सुबह का टाइम है तो बिल्कुल शांति सी है, कितनी पार्टी करेंगे लोग भी। क्या वेव आ रहा है भाई सुबह सुबह। अभी आ गया, इतना ऊपर आ गया कि पैंट तो गीली हो तो हो चलेगा, लेकिन फोन में भी पानी आएगा। भाई पता है अभी मैं अंजुना में कम से कम 10-12 घंटे से हूँ, लेकिन मोस्टली यहाँ पे मुझे केरला के लोग दिख रहे हैं। पता नहीं क्यों, सारे लड़के जितने भी यंगस्टर हैं सब केरला के भरे हुए हैं पूरे अंजुना में। ये एक्चुअल में अंजुना बीच है पूरा। उधर मैं पीछे से आया हुआ अंजुना क्लिफ के नीचे, और इधर मोस्टली लोग इधर हैं, इस तरीके के शेक्स हैं इधर, लोग बैठ के एंजॉय करो, चिल वाला माहौल है। सनराइज़ हो गया, लेकिन सनराइज़ में दिखा नहीं पाया क्योंकि यहाँ से सनराइज़ अच्छा नहीं दिख रहा था इसके। हाय, डू यू लुक प्रीटी, वेयर आर यू फ्रॉम? मणिपुर। या, ओह वाओ, दैट्स व्हाई आई सी दैट यू लुक डिफरेंट। Are you enjoying in Goa? Yes. How long? Up to second day. It is your second day? No, it is our third day. Third day. You and you and me. How many places have you been till now? Where? We went to Baga and then Marsi Road. Okay. And we are going to Butterfly Beach. Where? Butterfly? Beach. Oh. And then we went to Sunburn also. Oh, really? Yeah. are you enjoying that? Too much, yeah? I'm a solo traveler, you know. Oh. I have traveled all around India, but I never been to a northeast part. But it's my plan. Yeah, you have to. Within 2 or 3 months, I will be there. Okay. For sure. Nice to meet you. Nice to meet you.
या सी यू या ग्रेट हाय थैंक यू नाइस टू मीट यू सी द नाइस प्रीटी गर्ल यू नो अभी मैं जा रहा था तो मुझे ना थोड़ा डिफरेंट टाइप का ड्रेस दिखा तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ यार कहाँ से है तो ये जो गर्ल्स थी ना ये मणिपुर की थी बहुत प्यारी लड़कियाँ थी यार ड्रेस वो ट्रेडिशनल ड्रेस है उनकी मणिपुर की तो मणिपुर की ड्रेस लेके अपने कल्चर को इस तरीके से शो कर रही है तो बढ़िया है ना भाई सुबह सुबह के टाइम पूरा बीच शांत है ये कयाकिंग के लिए शायद है ₹700 पर कयाक मैं अभी आधे घंटे से सिर्फ वॉक ही कर रहा हूँ इस बीच पे अंजुना पे क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है बस मज़े आ रहे हैं वॉक करने में तो इसलिए मैं वॉक कर रहा हूँ बिल्कुल एंड पे पहुँच गया हूँ अंजुना बीच के देखो ये बस थोड़ा और आगे जाऊँगा तो अंजुना बीच एंड हो जाएगा मैं सोच रहा हूँ अब चला जाए क्योंकि ऑलरेडी 8:30 हो चुका है टाइम क्या बोलते हो ये वेव्स बड़ी प्यारी लग रही हैं यार अभी सुबह सुबह क्योंकि बहुत ऊँची ऊँची वेव आ रही है ना तो अच्छा लग रहा है तो अभी तक मैं केरला के लोगों से मिला मणिपुर के लोगों से मिला यहाँ पे अंजुना में और तो किसी से नहीं मिला मणिपुर की वो लड़की थी ना अच्छी थी वो मैंने ऊपर ही अपनी बाइक पार्क की है तो मैं चलता हूँ अब मज़ा आया आप लोगों को अब लास्ट टाइम एक बार देख लो ये अंजुना बीच आते वक्त मैं उधर क्लिफ से नीचे उतरा था ना इसके लिए मेरे को आइडिया नहीं है घूम लिया अच्छा किया मैं सुबह सुबह आ गया मैं मतलब मन कर रहा था जाऊँ नहीं जाऊँ फिर मैंने सोचा चलते हैं यार क्योंकि सनराइज़ छूटने पे था सनराइज़ इधर से वैसे भी दिखा नहीं बस थोड़ी शेड आई क्योंकि ये सामने हिल था और अपोजिट साइड से हो रहा था हिल के अपोजिट से इसकी वजह से दिखा नहीं फिर भी बताना कैसा लगा अब चलते हैं गाड़ी निकालेंगे और निकलते हैं उसी अंदर गलियों में से ये देखो अभी आपको एक पुराना सा घर देखिएगा देखो है या इसी के पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है बिल्कुल कैसे कैसे रास्ते से आया हूँ देखो प्रिवियत ये रिवर देख रहे हो ये है बागा रिवर बागा यहाँ पे कायाकिंग होती है कल हो रही थी कायाकिंग अभी नहीं हो रही सुबह के टाइम इधर से बागा क्रीक जाते हैं सीधे ये है पूरी रिवर जहाँ पे कायाकिंग होती है अभी मैंने वहाँ पे देखा बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे से कायाकिंग स्टार्ट होती है ऑफिशियली तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ था ₹600 ले रहे थे 60 मिनट के लिए और ये बागा क्रीक वाला रास्ता है नहीं इसी पे और जैसे आप आगे जाओगे क्रीक के पास तो एक ना लेफ्ट टर्न आता है लेफ्ट टर्न पे कॉर्नर पे हैमर्स है हैमर्स क्लब वो भी फेमस है और इधर से जैसे बाहर आप निकलोगे मतलब मेन रोड पे जाओगे कलंगुट और बागा वाला जो मेन रोड है वो सॉरी कलंगुट और बागा वाला मेन रोड वहाँ पर आगे जाओगे तो क्लब को बाना आएगा तो इस तरीके से बहुत सारे क्लब्स हैं यहाँ पे फेमस तो ये दो बताया मैंने